भजामि राधांकर बिंद नेत्रं स्मरामि राधां मधुर स्मितास्यं वदामि राधां करुणावरत्र ततो मम नास्ति गतिर्न कापि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मेरे गुरुपाद पुत्र नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील बावन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं नित्यलीला कृष्ण भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज कपूज्य चरण परम संस्कार भक्ति विदुत बधन गोस्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव विष्णु के चरण कमलों में मेरा यथाथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। बहुत आनंद की रहस्य की बात है, हम लोग साक्षात ये ठाकुर जी के क्या नाम है किशोर किशोरी चलो वृंदावन के किशोर किशोरी के चरण कमल के सान्निध्य में तथा गुरुवर्ग की चरण कमल की सान्निध्य में हम लोग बैठे हुए हैं। अनेक जन्म की सुकृति और सौभाग्य होने पर जीव सत्संग में बैठता है। सभी जीवन में सबके सत्संग नहीं होता है, असत्संग तो हो ही जाता है, अनेक प्रकार भी संग होता है। विवाह आदि में लोग भी एकत्रित होते हैं है? अब ये चल रहा नहीं था, क्या चल रहा है, किसके घर में विवाह हो रही है? आप इधर आपके घर में नहीं, अच्छा आपके पड़ोस, बहुत अच्छी बात है। किंतु देखो साधु संग सर्वशास्त्र का है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। शास्त्र में तो साधु संग कहा गया, एक क्षण काल को ही साधु संग करें, कितने समय, एक क्षण है, उसके जीवन सफल हो जाता है। देखो तुलसीदास जी कहते हैं, संत मिलन के चलिए तज अभिमान, जो जो पग आगे धरे कठिन यज्ञ समान है। जी देखो संत मिलन के लिए हम जाते हैं, सत्संग में हम जाते हैं, घर में निकलते हैं ना, एक पैर रख करके दूसरी पैर हम रखते हैं, कहते हैं सैकड़ों जगह की फल प्राप्त हो जाता है। एक बार हस्तिनापुर में युधिष्ठिर महाराज भगवान के निकट कहने लगे, ये प्रभु मैं एक राजस्व एक यज्ञ करना चाहता हूँ। राजस्व यज्ञ, क्या यज्ञ? राजस्व यज्ञ करना चाहता हूँ, जिसमें बड़े बड़े राजा लोग आएंगे, राजाओं के सम्मान करेंगे, हवन आदि करेंगे, संत महात्मा भी आएंगे, नाम संकीर्तन भी होगा, जितने लोग आएंगे सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था भी करेंगे, है कि नहीं? भूखे ना भजन ना है गोपाला, ये तो है ही है। भगवान कहने लगे, देखो युधिष्ठिर तुम अकेला मत करो, सबके लेकर के करो,
है, अपने पांच भाई और दुर्योधन की सौ भाई को बुला लो। भाई परिवार है ना, कोई उत्सव हो कुछ भी हो क्या करना चाहिए, परिवार के सब एक होना चाहिए है। सौ और पांच कितने हो गया, 105 होना चाहिए कि नहीं चाहिए। भाई घर संसार में झगड़ा तो होता ही रहता है, किसी में कुछ तो मन मान मोटावट तो होते ही रहता है, होता है कि नहीं होता है, किंतु देखो कई विवाह शादी हो बापसे सबको क्या करना चाहिए, एक साथ जाना चाहिए, और नहीं तो तुम्हारे आगे के रास्ता बंद हो जाएगा, कांटा पड़ जाएगा है, कांटे लग जाएगी कि नहीं लगेगी, चलना मुश्किल होगा, बात ऐसे ही है कि नहीं है। तो उसी प्रकार भगवान युधिष्ठिर महाराज के देखो कहने लगे, हम लोग एक साथ में मिलकर के ही इतना विशाल जो है यज्ञ करो, राजस्व यज्ञ करो। तो भगवान की इच्छा के अनुसार युधिष्ठिर महाराज दुर्योधन के स्वाभाविक भी बुला गया। देखो उस जगह में सबको काम जो बांट दिया गया है, एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया, दायित्व दे दिया, तुम्हारे ये काम करना है। तो सबसे बड़ी काम क्या है, बड़ा काम क्या है, रसोई, रसोई के काम है भाई। जब से जैसे भी बोलो ना, क्या है लोग आएंगे जब खा पी कर जाएंगे, बोले अच्छा खिलाया, और थोड़ा नमक कम हो गया ज़्यादा हो गया जाने के समय है, कुछ नहीं बोल जाए। इसलिए भाई जो कुछ भी बोलो, जो कुछ भी करो, सबसे बड़ी क्या है, रसोई भोजन की व्यवस्था ठीक से हो, तब लोग प्रसन्न होते हैं। तो ये भोजन रसोई बनाने वाले कौन एक्सपर्ट थे जानते हैं, द्रौपदी, साक्षात लक्ष्मी की अवतार माना जाता है, है? जो अग्नि से प्रकट हुई। एक्चुअली द्रौपदी कौन थी जानती है आप, कौन थी बताओ, छाया सीता थी है। इसकी भी कहानी जो है लंबी कहानी है, कई समय पर आने पर आप लोगों को मैं बताऊंगा है। एक बार ये छाया वो जब रावण सीता हरण की, रावण कौन से सीता का हरण किए, छाया सीता, और देखो रावण मर गए, रावण मरने के बाद सीता देवी के है उनको अग्नि में प्रवेश कराया, छाया सीता को अग्नि में प्रवेश कराया, और असली सीता को जो है रामचंद्र लेकर के वापिस आए। देखो उस समय छाया सीता भी भगवान रामचंद्र के लिए कहने लगे, मैं आपके लिए इतने सहायता की, विशेष करके राक्षस वंश ध्वंस करने के लिए मैं ही प्रधान थी ना है, यदि रावण मुझे हर करके नहीं ले जाते तो रावण वंश कैसे ध्वंस होता, नहीं होता है, इसलिए मैं ही तो आपकी सब कुछ किया, तो आप मुझे छोड़ करके जा रहे हो, प्रभु मुझे कुछ वर दे करके जाओ। तब तो उस समय भगवान रामचंद्र कहने लगे, देखो छाया सीते तुमको मैं वर देता हूँ, तुम कुछ समय के लिए स्वर्ग में स्वर्गलक्ष्मी बनकर के रहोगे। क्या बनी, स्वर्गलक्ष्मी, यही जो है छाया सीता कुछ समय के लिए स्वर्ग के लक्ष्मी बनी, जिसको स्वर्गलक्ष्मी कहा जाता है, है? फिर दुर्वासा के अभिशाप से फिर नीचे आई, मर्त्यलोक में आई, ये सब बहुत पुराणों तो ब्रह्म वैवर्त पुराण के विशाल वर्णन है। फिर जो है भगवान रामचंद्र भी बोले, देखो जब मैं कृष्ण होकर के आऊंगा तब मेरे लीला के तुम सहायता करना। तो वही स्वर्ग सीता, क्या छाया सीता जो है स्वर्गलक्ष्मी बनी, और इसके पश्चात वो द्रौपदी बनी, जो कौरव वंश के ध्वंस की मूल कारण बन चुके हैं। समझ में आ रही कि नहीं, कौरव वंश के ध्वंस है, द्रौपदी नहीं होती तो कौरव वंश कहाँ से ध्वंस है। तो ये सब कथा बहुत विस्तृत है, तो आगे कथा सुनो। द्रौपदी रसोई में बहुत एक्सपर्ट थे, बनाती थी बहुत सुंदर है, और साथ ही साथ भीम, भीम देखो जो अच्छे खाने वाले हैं ना वो अच्छे बनाने वाले हैं, जो रूखा सूखा खाने वाला है वो क्या बनाएंगे, बात ऐसे ही है कि नहीं,
है। भीम अच्छे खाने वाले भी है और अच्छे बनाने वाले भी, बनाते थे वो। तो देखो इसलिए भगवान कहने लगे रसोई के काम किसको दिया जाए, द्रौपदी और भीम बस है। और अर्जुन के काम दिया, बड़े बड़े राजा लोग आएंगे उनके लिए सम्मान करना, अच्छी तरह से बैठना उनके करना है। और नकुल और सहदेव को दिया गया जहाँ पर संत महात्मा आएंगे उनके लिए व्यवस्था करने के लिए है। जहाँ पर संत महात्मा सब आएंगे, फायर सेक्टर में जगना आदि होगा उसके लिए व्यवस्था करो है नकुल सहदेव। और युधिष्ठिर महाराज स्वयं सब कुछ देखभाल करके ठीक से चल रहे कि नहीं चल रहे। रह गया दान पुण्य के काम, रह गया दान पुण्य के काम कौन करेंगे है। उस समय युधिष्ठिर महाराज कह दिया देखो दुर्योधन दुशासन के जो है दान पुण्य के काम दिया जाए। दुर्योधन दुशासन तो ताल ठोकने लगे, ना रोहे बांस और ना बजे बांसुरी। क्यों? ये दुर्योधन के राज को उसके पूरा खाली कर देंगे। राजा के पैसा नहीं रहे तो राजा क्या है, कुछ नहीं। दुर्योधन दुशासन ऐसे विचार करने लगे देखो युधिष्ठिर महाराज के जितने राजकोष है ना पैसा है, इतना दाम देते रहेंगे उसके बिल्कुल खाली कर देंगे है। अच्छा किंतु उसे पता नहीं था जहां पर स्वयं भगवान विराजमान है, जहां साक्षात लक्ष्मी स्वरूपिणी द्रौपदी विराजमान है, है? वहां पर राजकोष खाली कैसे खाली हो जाएगा भाई। दान दक्षिणा की तो बात है ही ना। दुर्योधन कोई कहते हैं महाराज मुझे एक कपड़ा दीजिए, दुर्योधन उसके 10 कपड़ा दे देते। कोई कहते हैं मुझे 1 रुपया दीजिए, दुर्योधन उसके 100 रुपया 1000 रुपया दे दे। उसके एज था दुर्योधन की युधिष्ठिर महाराज की राज को उसको खाली कर दिया, क्योंकि जितने देते हैं उतना ही कहाँ से फिर आ जाता है। बड़े दान देते देते सुबह से लेकर के शाम तक राजकोष बिल्कुल जैसी की तैसी रहा। क्या बोला? जैसे की तैसी, एक कुछ नहीं। और लोग जाने के समय देखो जगत चल रहे हैं और सब लोग जाते हुए कहने लगे वाह ऐसे जगना आप कभी नहीं देखा, इतने सुंदर भोजन स्वादिष्ट अमृत भोजन हम लोग कभी नहीं खाए, और ऐसे दान दक्षिणा ऐसे थे। बोले क्या बताए, सब लोग क्या बोल रहे हैं, बोले युधिष्ठिर महाराज की जय। छोटी एक काम बाकी रह गया था उस जगन में, बोले जितने संत महात्मा आएंगे ना उसके चरण कौन धोएंगे। भगवान कहते मैं ही धुलाता हूं, जैसे स्वयं भगवान सदमा विप्र के चरण धुलाए कि नहीं धुलाए है। देखो जो बड़े सबसे बड़े होते हैं ना छोटे काम लेते हैं, जब छोटा है ना सब बड़े काम ले लेते, इसलिए भगवान सबसे छोटा काम कौन सा लिया, चरण धुलाए। जितने संत महात्मा आने लगे है चरण धुलाए। अच्छा जगत तो चल रहे, युधिष्ठिर महाराज संग भगवान का एक प्रश्न पूछ लिया, ये प्रभु ये वो बात बताइए हमें कैसे पता चलेगा ये जगन पूरा होगी। तब उस समय भगवान कह दिया जब तुम्हारी विजय घंटा बजेगा, एक घंटा था उसके नाम क्या है विजय घंटा, वो अपने आप बजेगा ढंग 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 करके बजेगा। जबकि जग तुम्हारे पूर्ण हो जाए विजय घंटा अपने आप बजेगा। इधर देखा तो युधिष्ठिर महाराज देख सब लोग तो जय जयकार दे रहे हैं, किसका जयकार देख रहे दे रहे हैं, बोले युधिष्ठिर महाराज की जय। किंतु युधिष्ठिर महाराज तो सिर में हाथ दे करके बैठा हुआ है। अभी तक देखो शाम होते जा रहे हैं 3-4 बज रहे हैं और सूर्य अस्त होने के साथ ही सारे यज्ञ बंद हो जाएगा है, असुरी यज्ञ हो जाएगा। फिर दिन में यज्ञ होता है सात्विक यज्ञ कहा जाता है, रात में यज्ञ होता है उसके कहा जाता है तामसिक यज्ञ हो जाएगा। अभी क्या करें, देखो युधिष्ठिर महाराज सिर पर हाथ देकर बैठे, भगवान के कहने लगे ये प्रभु एक घंटे क्यों नहीं बज रहे। तो उस समय स्वयं भगवान कहने लगे देखो अभी कोई संत महात्मा
आया ही नहीं वो, बोले सब संत महात्मा आ चुके हैं, सब लोग प्रसाद भी पा ले। बोले नहीं देखो अभी कोई एक संत महात्मा अभी तक पहुंचे नहीं, आए नहीं। बोले कौन आया? नहीं, भीम के भेजा गया। भीम देखो गदा लेकर के चल पड़े, सर्वत्र निरीक्षण करते 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 अली गली जहां जहां पर सब अली गली में देखा, एक गली में देखा बिल्कुल गली के कोने में एक संत महात्मा बैठे हुए थे, राम 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 जप कर रहे थे और उनके सारे शरीर में खुजली हो गया, खुजला रहे थे, राम 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 राम। भीम जी जा कहने लगे संत महात्मा जी आप हमारे जग में भाग नहीं लिया? बोले मुझे कोई समाचार नहीं दिया, पता चला ना जी संत महाराज अभी तक जग में भाग नहीं लिया। तो भीम जी बोले महाराज चलिए हमारे जग में भाग लीजिए, आइए बैठ प्रसाद पाइए कम से कम। संत महात्मा बोले मैं ऐसे तैसे संत महात्मा नहीं हूं, बुलाने से चले जाएंगे क्या? है अभी बुलाया अभी चले जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, नहीं महाराज चलिए ना। बोले देखो मैं तो जाऊंगा, अच्छा मुझे दक्षिणा कितने दो? बोले आप जो मांगोगे वही दे देंगे। अरे दुर्योधन दुशासन पूरा राजकोष लेकर के बैठा हुआ है, जो चाहिए वही दे देंगे। चलो संत महात्मा बोले अच्छा बताओ ये राजस्व यज्ञ हो रहे? हाँ जी। बोले 10,000 अश्वमेध यज्ञ की फल मुझे चाहिए, मुझे रुपया पैसा कपड़े आदि ये नहीं चाहिए, क्या चाहिए? 10,000 अश्वमेध की यज्ञ की फल मुझे चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए, क्या चाहिए? 10,000 अश्वमेध। बोले कितने यज्ञ? एक अश्वमेध यज्ञ के फल क्या? बोले 10,000 राजस्व यज्ञ करने पर जो फल जो होता है वो एक अश्वमेध यज्ञ का फल होता है, और 10,000 अश्वमेध यज्ञ की फल वो मांग रहे हैं। है? समझ में आ रही कि नहीं मैथमेटिक्स? बोले देखो 10,000 अश्वमेध यज्ञ की हमें फल चाहिए। भीम जी तो हैरान हो गए, बोलते पहली बार तो राजस्व यज्ञ कर रहे हैं, अश्वमेध यज्ञ तो अभी तो शुरू नहीं हुआ है, कहाँ मेरे? भीम जी लौट करके आकर के भगवान के पास आ गए और भगवान के समाचार दिया, कृष्ण के बोले संत महात्मा तो मिल गया, अभी जो संत महात्मा अभी तक यज्ञ में भाग नहीं लिया वो तो मिल गया है। अरे कहाँ जा रहे हो? हाँ बैठो है प्रसाद पा करके जाओ, नहीं तो असमय यज्ञ फल नहीं मिलेगा है। सुनो देखो तो भगवान के समाचार दे, कृष्ण के समाचार दिया। कृष्ण बोले भीम तुम्हारे तरह काम नहीं होगा, एक काम करो द्रौपदी के भेजो। द्रौपदी आए, द्रौपदी आकर के संत महात्मा जी आप पधारिए। बोले तो मैं तुम्हारे तो भीम तो आए थे अभी, मैं तो बोल दिया 10,000 अश्वमेध का जो यज्ञ जो है उसके फल मुझे चाहिए है। द्रौपदी बोले संत महात्मा पढ़े लिखे हैं कि नहीं? बोले पढ़े लिखने की क्या जरूरत है? है हमें तो चाहिए बस। देखो द्रौपदी क्या कहने लगे, बोले आप एक चौपाई सुन लीजिए, क्या बोले? संत मिलन के चलिए तज अभिमान, जो जो पग आगे धरन कोटि निजग समान। देखो द्रौपदी कहने लगी, क्या बोली? द्रौपदी कह रही है देखो मैं राजकुलवधू हूं है? और आपके साथ पास मिलने के लिए मैं आई हूं। कैसे आई हूं मैं? पैदल है, हाँ पैदल आए, और एक पैर रख करके दूसरी पैर रखने से क्या हो जाता है? पहले तो बोला कोटि यज्ञ समान, एक नहीं कितने करोड़ यज्ञ की हुई। मैं तो इतने पैदल चल करके आया, कम से कम कितने पैदल है? एक पैर रखेगा आप गिनते रहो
कम से कम तो 1000 पैर तो होगा, है पैर रख करके आए ना, स्टेज तो आए करके, तो कितने हो जाए बोलो, कितने को रहे? आइए महाराज, संत महात्मा प्रसन्न हो गए, द्रौपदी तो धन आचे चलते है। द्रौपदी संत महात्मा इसके लेकर के आए, संत महात्मा के लिए भोजन बनाया है, ठाकुर जी के भोग लगाया, लोग भोग लगा करके देखो संत महात्मा के भोजन की थाली रख दी, स्वयं द्रौपदी अपने हाथ से बनाई लड्डू कचौड़ी पकवान जलेबी और नाजनी क्या क्या अनेक प्रकार की सब्जी बनाई, संत महात्मा खाने के लिए दे दी है, भजन के लिए बैठे, देखो संत महात्मा बैठने लगे, बैठे भोजन के लिए और युधिष्ठिर महाराज घंटी की तरफ देख रहे हैं, बोले संत महात्मा के भोजन हो जाए और घंटी बजे है, विजय घंटा बज जाए ना, किंतु देखो विजय घंटा नहीं बज रहे है। युधिष्ठिर महाराज फिर भगवान की बोले, भगवान एक ही संत महात्मा बचे हुए थे जो भजन कर लिया, अभी क्यों बजा नहीं, अभी घंटी क्यों नहीं बज रहे? तो उस समय भगवान कह रहे युधिष्ठिर एक बात बताओ, जब संत महात्मा भोजन कर रहे थे तुम्हारे मन में कुछ बात आई कि नहीं? युधिष्ठिर महाराज कहने लगे हाँ जी। बोले क्या? ये संत महात्मा जब भोजन कर रहे थे ना, सारे लड्डू कचौड़ी कचौड़ी पकवान आदि सब एक साथ में मिला करके और सब खा रहे थे, तो मैं यही मन मन सोच रहा था ये संत महात्मा उच्च कोटि के संत महात्मा नहीं है, खानदान घर से नहीं आए हैं, ऐसे ही चलते फिरते संत महात्मा होगा शायद है। अरे देखो कैसे लड्डू कैसे बनाया, कचौड़ी कैसे बनाया, इसके टेस्ट कैसे है? और ये संत महात्मा के सब एक साथ में मिला कर मन में ये हो गया, ये कई खानदान घर के संत महात्मा नहीं है, है? ऐसे चलते फिरते संत। भगवान कर्ण युधिष्ठिर तुमने संत महात्मा ने अपराध कर दिया है, हरि के जो भजे सो हरि का होई, क्या बोला? जो हरि भजन करते हैं ना सो किसको होता है? हरि का। जो हरि भजन करता है उसके जात पात कुल कुछ नहीं गाता है, कोई उच्च घर के नहीं होता है, कोई नीच घर के नहीं, ये केवल क्या है? अभिमान मात्र है, है? धन के द्वारा भगवान की प्राप्ति नहीं है, धन ऐश्वर्य श्री उच्च कुल में जन्म विद्या आदि के द्वारा भगवान के नहीं मिलता है। भगवान कहने लगे युधिष्ठिर तुम संत महात्मा के चरण में अपराध किया, अभी क्या करें? एक काम करो दोबारा बनाओ है। फिर द्रौपदी ने दोबारा दूसरी बार रसोई बनाई, संत महात्मा खाने के लिए दिया और संत महात्मा प्रसाद पा लिया है। जब संत महात्मा प्रसाद पा लिया घंटी अपने आप बजने लगी है। देखो उस समय युधिष्ठिर महाराज एक प्रश्न पूछा संत महात्मा, ये आप बताओ ये सारे लड्डू कचौड़ी पकवान आदि जो कुछ भी बना आप सब एक साथ में क्यों मिला है? उस समय संत महात्मा ने उत्तर दिया, देखो द्रौपदी साक्षात लक्ष्मी स्वरूपिणी है, स्वयं भगवान के लिए वो बनाए और भगवान के भोग लगाई, मैं देखा इसमें प्रेम तो सब जगह ही नहीं है। जब भगवान प्रसाद पा लेते ना वो क्या रहता है? वो लड्डू नहीं रहता है, कचौड़ी नहीं रहता है और जलेबी नहीं रहता, क्या होता है? क्या बोलते हैं हम? बोलो महाप्रसाद की जय है, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे स्वल्प पुण्य बतांग राजन विश्वास नहीं जायते। कौन कौन बोलते हैं इसको? कौन कौन ये श्लोक किस किस के याद है? पुनोज दी श्लोक है, ये हमारे गौड़ी आप याद लो, याद कर लेना है। देखो महाप्रसाद जो भगवान की भूख लगाते हैं ना उसके अपराकित कहा जाता है, महाप्रसाद कहा जाता है। ठाकुर जी की जब मंत्र के द्वारा भोग लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? महाप्रसाद, भगवान के उच्छिष्ट कहा जाता है, भगवत उच्छिष्ट, उच्छिष्ट समझते हो? द रेमिनेंट्स ऑफ लॉर्ड, भगवान के उच्छिष्ट।
जिसकी सुकृति नहीं है, पूर्वजन की ऐसी सुकृति नहीं है, कहते हैं ये महाप्रसाद अपराकित, उसके विश्वास नहीं होता। महाप्रसाद गोविंद भगवान के नाम पर विश्वास नहीं होता। विग्रह ये जो साक्षात ये विग्रह देखो कितने सुंदर विग्रह है, राधा गोविंद कितने, ठाकुर जी के नाम क्या बताया, किशोर किशोरी कितने सुंदर है। ये साक्षात भगवत स्वरूप है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण है, ये साक्षात भगवत स्वरूप। ये पत्थर नहीं है, है क्या जी, साक्षात भगवान विराजमान, ये भी आपके साथ बात करेंगे है। ये मुझे और भोजन कराओ, जैसे हमारे लोकनाथ दास गोस्वामी है अपने ठाकुर जी राधा बिनोदी लाल सेवा करते हैं। महाप्रसाद है गोविंदे नाम हरि नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। नाम स्वरूप साक्षात शब्द ब्रह्म कहा जाता है। और वैष्णव, वैष्णव किसको कहते हैं, जो विष्णु मंत्र के द्वारा दीक्षित होते हैं उसे कहा जाता है वैष्णव कहा जाता है। गृहीतो विष्णु गृहीतो विष्णु दीक्षित विष्णु पूजा परो नरः है, जो विष्णु मंत्र के द्वारा दीक्षित हो जाते हैं और विष्णु पूजा करते हैं उसे कहा जाता है वैष्णव है। जो सूर्य की पूजा करते हैं उसे क्या बोलते हैं, सौर कहा जाता है। जो शिव के पूजा आदि करते हैं उसे क्या बोलते हैं, शैव कहा जाता है, शैव है। जो शक्ति देवी दुर्गा आदि की पूजा करते हैं उसे क्या कहा जाता है, शक्त कहा जाता है, शक्ति की उपासना करते हैं। जो गणेश की पूजा करते हैं उसे क्या बोलते हैं, गणपत्य कहते हैं। और जो विष्णु की पूजा करते हैं उसे क्या कहा जाता है, वैष्णव है, विष्णु की पूजा। इसलिए भगवत जो विग्रह ये साक्षात भगवत से, और वैष्णव जो है विष्णु मंत्र में है। आज ये विचार दिखाए, इसलिए कहते हैं भगवान कहने लगे युधिष्ठिर कहने लगे ये आप सब कुछ मिला, मैं देखा तो इसमें देखो सैन द्रौपदी ऐसे सुंदर भोजन बनाया और ठाकुर जी के भोग लगाया है, और ये महाप्रसाद इसमें देख, मैं देख रहा हूँ इसमें सब में क्या है, प्रेम क्या है, प्रेम सर्वत्र है। मैं देख रहा हूँ आहा, मैंने कौन सा आगे खाए कौन से पीछे खाए है, इसलिए मैं देख रहा हूँ सभी प्रेम प्रेम भरा हुआ है, है? इसलिए महाप्रसाद है कि प्राकृतिक बुद्धि करना नहीं चाहिए, नॉट मेटेरियल, इसको क्या अप्राकृत वस्तु, ये महाप्रसाद ग्रहण करना चाहिए है। इसलिए इसके चावल दाल सब्जी से मत समझो, क्या समझो, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्य बतांग राजन विश्वास नैव जायते शरीर विद्यजान जड़ेन्द्रिय तहिका जीव फेले विषय सागरे तार मध्ये जियायति लोभमय सुदुर्मति ताके जेता कठिन संसारे कृष्ण बड़ दयामय कोरिवारे जिहा जय सप्रसाद अन्न दिला भाई से अन्नमृत पाओ राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेमे डाको चैतन्य निताय दयाल निताय दयाल गोर दयाल निताय दयाल। हाय ये महाप्रसाद है, इसको इस बुद्धि से लेना चाहिए। और जिसके महाप्रसाद में बुद्धि नहीं है, ये चावल है दाल है सब्जी है, हजारों जन्म भी खाते रहे कुछ नहीं होगा है। ठाकुर जी के महाप्रसाद है, जिस प्रसाद के लिए देखो नारद शिव आदि नृत्य करते रहते हैं। एक छोटा कहानी करके मैं बंद कर देता हूँ। देखो एक बार नारद ऋषि, कौन नारद ऋषि भ्रमण करते करते बैकुंठ में आ गए,
उस समय ठाकुर जी प्रसाद पाकर के अपने शयन कक्ष में चली गए और देखो लक्ष्मी देवी ठाकुर जी के प्रसाद की थाली लेकर के बाहर है और नारद ऋषि कहने लगे प्रभु ए देवी लक्ष्मी मुझे ठाकुर जी के थोड़ा प्रसाद दीजिए उच्छिष्ट प्रसाद। देखो उस समय लक्ष्मी देवी ने कह कि थोड़ी सी प्रसाद नारद ऋषि को दे दिया, नारद ऋषि भजन कर खा ले है और नारद ऋषि देखो ठाकुर जी के भजन प्रसाद करने के उसके हृदय में प्रेम हो गया, नृत्य करने लगे। नारद मुनि बजाए बिना राधिका रमन है, देखो राध में मेरो राधा रमन गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनु आरी, मेरो राधा रमन गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनु आरी, मेरो राधा रमन गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनु आरी। देखो नारद मुनि बिना यंत्र में राधा नाम जप करने, देखो जितने भी नाम है ना श्रेष्ठ नाम कौन सा है कैसे है आपका बताओ। देखो विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते हैं अब है, 1000 विष्णु नाम पाठ करने पर क्या होता है एक राम नाम के बराबर हो जाता है, 3 बार राम नाम जप करने से एक कृष्ण नाम के बराबर हो जाता है, है? और 100 कृष्ण नाम जप करने पर एक राधा नाम हो, बोलो राधा रानी की श्रेष्ठ कौन सा नाम हो गया राधा नाम है, राधा नाम की महिमा। इसलिए नारद ऋषि क्या करते हैं बिना में बिना यंत्र में राधा नाम जब देखो आनंद उन्मत्त होकर चलने लगे, चलते चलते कैलाश कैलाश में पहुंच गए, कहां पहुंच गए कैलाश में शिव जी के पास और देखो नित्य करने लगे, महाप्रसाद है ना ठाकुर जी के प्रसाद पा लिए और शिव जी बोले नारद ऋषि आप कहाँ से पधार रहे हैं, बोले मैं वैकुंठ से आ रहा हूँ, बोले आज इतने आप आनंद में क्यों नृत्य कर रहे हो, बोले देखो लक्ष्मी जी ठाकुर जी के नारायण की जो थोड़ी सी प्रसाद दे दिया मैं पा ली, शिव जी बोले मुझे तो ले थोड़ा तो दो, बोले सब खा ली है प्रसाद के छोड़ना नहीं चाहिए है पूरा चाट करके खा थाली बिल्कुल क्या तो खाली चाट चाट करके महाप्रसाद है ना भगवान की उच्छिष्ट है चाट चाट खा हाथ चाल। शिव जी बोले देखो आपकी उंगली नाखून में कुछ है कि नहीं और देखा एक कण पड़ा हुआ था, शिव जी बोले नाथ जी ले लो, देखो शिव जी वो कण खाली थोड़ी सी ठाकुर जी के प्रसाद जो नाथ जी के नाखून की पड़े और देखो ठाकुर शिव जी उतने प्रसाद पाते ही क्या करने लगे नाचने लगे है, गोविंद बल होरी गोपाल बोलो गोविंद गोविंद बल होरी गोपाल बोलो गोविंद बल मेरो राधा रमन गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनु आरी, मेरो राधा रमन गिरिधारी श्याम बनु आरी, हलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम।
वृंदावन गए सखी पवन वृंदावन Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare, Hare
सब पोशाक बनाती है, सबके लिए जोर से ताली बजाए। बोलो सुनीता देवी महाराज की जय। श्री गणेश महाराज जय। गुरु वर्ग की जय। जय जय श्री राम। बहुत सुंदर ठाकुर जी की सेवा चलाओ। कब भी बनाती है और ऐसे भी बनाती है। सिल्क भी बनाती है। सिल्क भी बनाती है। कौन कर सकता है? इधर में मंदिर है, उधर सब पूरा मंदिर का। पूरा मंदिर का जितने मंदिर है? नहीं, उधर में है। ये इधर दुर्गा माता मंदिर जितने अच्छा राधे राधे जितने भी है वहाँ। अच्छा बहुत सुंदर। आप तो भाग दो सुनीता भाभी। तुलसी बोलो वृंदावन के जोर से ताली। प्रचार बहुत करते। वाह, इसकी एक आवाज में पूरा
एक आवाज श्री नाम श्री निवास मंदिर राधिका, जहाँ पर स्वयं राधिका आपके घर में विराजमान है, सर्वलक्ष्मी श्रीमती देवी कृष्ण भक्त राधिका पर बहुत सुंदर ममता भाभी आप आ जाओ। सबसे बड़ा आनंद हुआ आपके घर में यही देखने के मिला, कोई देव देवी नहीं है। ये गौरी विष्णु जी एक बार पक्का जो है पूज्य पाठ भजन मारा गया, गुरु वर्ग की रखा और जगन्नाथ बलदेव और सब गुरु परंपरा रखा मैं देख ले सारे, मैं नजर डाल दिया पूरा है, ये पूरा पक्का गौरी विष्णु जी, ये भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद की जो धारा आप ही रख सकते हो। जय वृंदावन। बस एक और निष्ठा होनी चाहिए। बुधायन महाराज बहुत रहते थे पहले, काफी पहले ऊपर में मंदिर था सेकंड फ्लोर पे, तो मैं पूज्य नारायण जी ने आके ओपनिंग किया था, इसलिए तो बोलो श्री गुरुदेव की जय। सबसे पहले ओपनिंग महाराज जी ने, गुरुदेव के चरण रज पड़ गया नहीं है। देखो आप पहले तो बहुत वैष्णव रहते थे ऊपर में, माधवप्रिय वगैरह सब वैष्णव, सब वैष्णव गुरु वैष्णव आपके घर में। अरे मैं अंत में अधम के लेकर के हम भी ये दूध को लेकर सिर पर चलता हूँ, बहुत अच्छा लगा है। मैं आपके मंदिर को देखा, देख करके मैं सोचने लगा ये कोई साधारण घर नहीं है, हर घर में कहीं कहीं मिलेगा कुछ, किंतु आपके घर में सब कुछ है। राधा कृष्ण के देख रहा हूँ, जगन्नाथ जी, जगन्नाथ जी, जगन्नाथ जी का हम लोग एक बड़ा चैतन्य महाप्रभु के राग दो, क्योंकि महाप्रभु की कृपा बिना राधा कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी इस कलयुग में। आराधितो नवर्णम वृंदावन ए बदरे, आरा नाराधितो नवर्णम वृंदावन ए बदरे, इसलिए चैतन्य महाप्रभु के लिए कहा गया। चैतन्य महाप्रभु रखो सबसे आपके गुरुदेव बताए सही बताएंगे, जब तक महाप्रभु नहीं रहे ना मंदिर में तो उधर में तो रखे हैं, हाँ इधर में नहीं है, आधा नहीं, कोई बात नहीं। मैं देख करके बहुत प्रसन्न हूँ, इतने सुंदर जो है और मूर्ति भी विग्रह भी बहुत सुंदर अच्छा लगा है, बहुत अच्छा। ठीक है ऐसे प्रचार करो, महाप्रभु की वाणी प्रचार करो। महाप्रभु ने क्या क्या पृथ्वी ते आचे जाता नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार, वही महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु लिखा। पृथ्वी केवल आपके भारत वर्ष में नहीं, पृथ्वी में इंग्लैंड अमेरिका ऑस्ट्रेलिया इन लोग के घर में देखो, हमारे साथ ये विदेशी लोग आए हैं, इनके घर में केवल राधा रानी राधा कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कुछ नहीं रखते, इनके घर में बैठो ना चारी तरफ दिखाई पड़ेगा केवल राधा कृष्ण। रशिया है और कहाँ गई आई वो साइबेरिया, यहाँ पर -40 आप सोच सकते हो, प्लस नहीं -40 उधर भी देखो राधा कृष्ण कैसे भजन है, बहुत अच्छी बात है आपके घर के। तो मैं सोचता हूँ ये घर क्या है, गुरु वृंदावन, क्या बताया बोले जिदी न गृह भजन देखी गृह तो गुरु को भाई चरण सिंधु देखी आ गंगा सुख न है, साक्षात गंगा देवी है, भक्ति गंगा देवी प्रसन्न हो जाते हैं, कितना आनंद है, बहुत अच्छा लगा मुझे आपके घर है, केवल प्रशंसा नहीं करो। जय हो, जय हो, जय हो। मुझे सिद्धांति महाराज ने पहली भागवत कथा यहाँ इसके के मंदिर में, अरे भागवत आपके घर में सब कुछ हो गया तो इसलिए लास्ट में मुझे ले गया, इस बात बहुत अच्छा, सब वैष्णव के चरण धुली सब कुछ मुझे लास्ट नहीं है आपका, बहुत अभी आप भी आना जब भी, अरे जो बुलाएंगे मैं आ ही जाऊंगा, बिना बुले आ जाएंगे, जाने की बात बुलाने की क्या जरूरत है, आपका घर है। हाँ अरे घर तो मेरा सर्वत्र है, इंग्लैंड अमेरिका ऑस्ट्रेलिया मलेशिया सिंगापुर, कहीं ऐसे जगह नहीं है मैं नहीं जाता हूँ, और आपके घर तो है ही है। फेसबुक पे हमारे सब प्रोग्राम देखती है, हमारे मटके सब प्रोग्राम सब देखते हैं, हरी कथा अटेंड करती है, आनंद आ रहा है। हाँ मैं सोच रहा हूँ इतना आनंद क्यों आ रहा है और सब लोग क्यों नाच रहे हैं, जरूर ये धरती का जो है पृथ्वी में कोई एक शक्ति है और आपने सारे खोल दिया, बड़े बड़े संत महात्मा है, गुरुवार ऊपर आए ना ऊपर से वर्षा, वाह बहुत अच्छा लगा है। गृह तो ऐसी होना चाहिए, और थोड़ा आरती कर लेते हैं फिर हमें अभी भागवत कथा भी जाना है, सब लोग भागवत कथा में
आना, क्या बोला? मैंने हमारे मंदिर के जितने ग्रुप है मैंने सब भेज दिया। हाँ, सब भेजना नहीं, सबके लेके पकड़ कर पकड़ करके ले आओ। आ जाओ, सुनो, ठीक है, बोलो। वृंदावन बिहारी लाल यशो मोती नंदन ब्रज भरना जब ये शाम गली में ये शाम गली में
ममता ममता देवी की जय। अच्छा सर जय जय श्री राधे। जनकपुरी आपकी कथा में आ गए हमारे साथ सुनीता के साथ में। जय श्री राधे। बैठ जाओ अपने अपना। माँ जी का एक बार गुरुदेव ने बताया था ये क्या है। श्री श्री जी के श्री निवास ना श्री निवास